नमस्कार, 12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। हाजिर हूं मैं रुबारा इसार खान। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आप देख रहे हैं विजय त्रिवेदी जी, रामकृपाल सर हमारे साथ मौजूद, राकेश शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम आज की सियासी खबरों को डिकोड करेंगे, लेकिन इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश सुनाया है जिससे झटका बड़ा SBI को लगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कह दिया गया है कि SBI को आंकड़े जारी करने होंगे 12 मार्च तक। SBI को चुनाव आयोग को आंकड़े उपलब्ध करवाने होंगे और फिर इलेक्टोरल बॉन्ड वाले ये आंकड़े 15 मार्च तक चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा देश को। इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश चुनावी बॉन्ड पर। सुप्रीम कोर्ट ने SBI को बड़ा झटका दिया। जो आवेदन लगाया गया था SBI की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में इलेक्शन कमीशन की स्टेट बैंक की अर्जी कि हमको टाइम एक्सटेंड किया जाए 30 जून तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डिटेल्स देने के बारे में, उसको रद्द कर दिया है और बोला है कि ये बिल्कुल साफ है कि स्टेट बैंक के पास जो इन्फॉर्मेशन कोर्ट ने मांगी थी उनके पास है कि किसने बॉन्ड्स परचेज करे उसके डिटेल्स और किसने बॉन्ड्स वो एनकैश करे उसके डिटेल्स, ये सब स्टेट बैंक के पास है और वो कल शाम तक ये सारी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को दे दें और उसके बाद इलेक्शन कमीशन 15 तारीख तक, इसी महीने की 15 तारीख तक वो सारे डिटेल्स अपने वेबसाइट पर पब्लिश कर दे। और पहले भी जो इन्फॉर्मेशन 2019 से पहले के बॉन्ड्स के बारे में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को देनी थी इलेक्शन कमीशन को, जो उनके पास आ चुकी है, वो सब भी इलेक्शन कमीशन 15 तारीख तक पब्लिश कर दे। उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन को बोला है कि तुम इसका एफिडेविट फाइल करो कि तुमने ये अब आज का आदेश कंप्लाई किया कि नहीं किया। अभी हम कंटेम्प्ट एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन अगर बाद में भी नॉन कंप्लायंस हुआ तो हमको शायद लेना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा और बहुत कड़क फैसला, जो कि पिछला जो मेन जजमेंट था उसी के तहत आज कोर्ट ने दिया। प्रशांत सर एक सब और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। मतलब अंकित, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से साफ कर दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने की बात जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में सुनाई थी कि SBI आंकड़े जो है वो चुनाव आयोग को दे और चुनाव आयोग जो है अपनी वेबसाइट पर इन आंकड़ों को सार्वजनिक करे, उसमें किसी तरीके की कोई नानकुर या फिर कोई देरी सुप्रीम कोर्ट बर्दाश्त नहीं करेगा। अंकित गुप्ता। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अब अगर देरी की गई तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि कोर्ट की अवमानना का मामला भी चलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि कल शाम, जिस बात का जिक्र प्रशांत भूषण कर रहे थे कि कल शाम 12 मार्च की शाम तक ये आंकड़ा जो है चुनाव आयोग को देना होगा। हालांकि जो SBI की तरफ से कहा ये जा रहा था कि हम व्यवस्थित करके आंकड़ा चुनाव आयोग को देना चाहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने तो आपसे व्यवस्थित करने को कहा ही नहीं है, हमने आपसे डेटा कंपाइल करने को नहीं कहा, हमारा आदेश साफ है कि आपके पास जो भी आंकड़ा है इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, किसने खरीदा, किस पार्टी को गया, वो पूरी जानकारी आप चुनाव आयोग को दे। और ये जो लगातार मांग की जा रही थी कि कुछ और वक्त चाहिए, वो वक्त नहीं मिलेगा और डेडलाइन तय कर दी है कल शाम तक की कि जो SBI है उसको चुनाव आयोग को ये जानकारी देनी होगी, वरना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि कोर्ट के अवमानना के लिए रहे तैयार। जी, SBI की तरफ से जो दलीलें दी गई थी वो सुप्रीम कोर्ट में कमजोर क्यों साबित हुई? देखिए, लगातार SBI कह क्या रहा था, SBI ये कह रहा था कि हम डेटा को कंपाइल करके देना चाहते हैं, यानी कि जो आदेश है उसके तहत जो है हमारे पास में डेटा तो है कि किसने वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, कब खरीदा, किस पार्टी को गया चंदा और जो है किस पार्टी ने उसको कब एनकैश किया, लेकिन ये दो अलग अलग डॉक्यूमेंट है। 15 अप्रैल जो 2019 से लेकर के 15 फरवरी 2024 तक का, यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, इन 5 सालों के दौरान का हमारे पास में आंकड़ा है, करीबन 22,000 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए हैं जो कि जो राजनीतिक दल है उन्होंने एनकैश करवाए हैं, लेकिन ये डाटा मैनुअल डाटा है, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक डेटा नहीं है, लिहाजा इस डेटा को कंपाइल करने में हमको वक्त लग रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी भरे शब्दों में यह कहा कि हमारे
सारा आदेश शायद आपने पढ़ा नहीं, उसमें साफ तौर पर था कि डेटा कंपाइल नहीं करना, जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में देना है। जी, ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस तमाम अपडेट के लिए। मैं जरा दर्शकों को लेकर चलती हूँ, हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश दिया जा रहा था, निपुण सहगल वहीं कोर्टरूम के भीतर मौजूद थे। मतलब निपुण, ये डिजिटल का दौर है और इस डिजिटल भारत में भी SBI की तरफ से अगर ये दलील दी जाती है कि साहब डेटा तो है पर उसको कंपाइल करना है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जो कहता है 26 दिन किया क्या SBI ने, इससे ज्यादा बड़ी फटकार शायद SBI को हो नहीं सकती थी। और अब कल शाम तक आंकड़े इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े SBI को देने होंगे चुनाव आयोग को। बिल्कुल, चुनाव आयोग को आंकड़े देने पड़ेंगे कल, यानी 12 मार्च के वर्किंग आवर्स तक, यानी जब तक SBI का कामकाज चलता है तब तक, और 15 मार्च को शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग उसे प्रकाशित कर देगा अपनी वेबसाइट में। देखिए, जहां तक डिजिटल दौर की बात है, SBI ये कह रहा है कि चूंकि इसमें गोपनीयता की शर्त थी, इसलिए हमने इसको डिजिटल फॉर्म में नहीं रखा, दो अलग अलग जगहों में रखा, और कागजों में है ये चीजें जिनको मिलाने में समय लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कागजों में भी है तब भी आपके पास सारी जानकारी है कि किसने किसे कब खरीदा, वो जानकारी आपके पास उपलब्ध है, और किसने कब कैश कराया, तो इतना समय हम नहीं समझते। और जहां तक मिलान की बात है, मिलान का आदेश तो कहीं दिया नहीं गया था, उसमें जो आप नया एक आवेदन लेकर आ गए, और जो उपलब्ध आंकड़ा है, बड़ी बात यह है रोमाना, कि जो उपलब्ध आंकड़ा है यानी खरीदने वाले की जानकारी और कैश कराने वाले की जानकारी, दोनों उपलब्ध है। आप कह रहे हैं कि वो भी देने में, यानी उनको अलग अलग देने में भी हमें 3 हफ्ता लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल इसे गलत माना है और कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है, जो आंकड़ा उपलब्ध है उसे कल शाम तक आप दे दें, इसमें मतलब कोई आपको समय नहीं दिया जाएगा। ये भी चेतावनी, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से नानकुर की या फिर मामले को लटकाने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है ना, मतलब अब कल शाम तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी है ये चुनाव आयोग को हर हाल में सौंपनी होगी, वरना तो फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अवमानना के लिए तैयार रहे, यही है ना लब्बो लबाब निपुण? बिल्कुल बिल्कुल, अवमानना के जो दो एप्लीकेशन दाखिल हुए थे एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से, मार्क्सिस्ट की तरफ से, यानी CPM की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट ने कहा फिलहाल हम इनका निपटारा कर दे रहे हैं, नोटिस जारी नहीं कर रहे हैं अवमानना का, लेकिन एक एफिडेविट जमा कराए SBI कि हमने पालन कर लिया है आज जो आदेश दिया गया है, अगर इस बार पालन नहीं हुआ तो हम आप पर अवमानना की कार्रवाई करेंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि आप टाल मटोल की कोई गुंजाइश नहीं है, आदेश का पालन करना पड़ेगा। इस तमाम जानकारी के लिए, और आइए जरा जल्दी से इसी पर रिएक्शन लेते हैं, हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल यहां पर बना हुआ है, विजय जी के पास चलते हैं। सबसे पहले सर, किरकिरी SBI की तरफ से जिस तरीके से ये बात कही गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि वक्त और चाहिए आंकड़ा देने में, हो रही थी सरकार की, और ऐसे में अब आज सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश SBI को तो फटकार है ही, आपको क्या लगता है राजनीतिक तौर पर मामला कहां जाएगा? देखिए, राजनीति से अलग, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद SBI ने क्यों किया, क्योंकि SBI की जो डिटेल्स है बैंक की, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, वो उन्होंने हर ब्रांच की जो डिटेल्स थी वो अपनी मुंबई की जो मेन ब्रांच है वहाँ पहले से ही भेज रखी है सील्ड कवर एनवलप में, तो डांट पड़ी है। हाँ, इसलिए तो उसमें कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात मुझे लगी कि सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े आदेश के बाद भी AGM, मतलब AGM तो बहुत जूनियर लेवल के ऑफिसर्स होते हैं एक तरह से, AGM ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की कि आप इस तरह से कैसे कर रहे हैं। तीसरी बात थी कि डिकोड करने की जरूरत ही नहीं थी, आपको कहा गया था कि आपके पास जो आपने बेचे हैं और जो पार्टीज ने फंड लिया है उसको एनकैश जो किया, आपको सिर्फ जानकारी देनी है, तो उसमें SBI को क्या दुविधा, बल्कि SBI के इस कदम से सरकार को नुकसान उठाना पड़ा, सरकार की किरकिरी हुई, सरकार की इमेज को नुकसान हुआ कि किस तरह से हो रहा है, जबकि ये सारी डिटेल एक तरह से ओपन ही है कि क्या है कि मुंबई में सबसे ज्यादा, मतलब सारी जानकारी जो है वो SBI के पास है, SBI को बस उसको चुनाव आयोग को देना था, लेकिन SBI ने जिस तरीके से इस मामले को लटकाया, पार्टी क्यों बन रहा है, क्यों बन रहा है, उससे कहीं ना कहीं सरकार की हो रही है। रामकृपाल जी, अब ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपको लगता है अब तो और राजनीति का मौका मिलेगा इस पर? निश्चित रूप से, देखिए जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि इसे बंद किया जाए इलेक्टोरल बॉन्ड को, और जो अब तक हुआ है उसे सार्वजनिक किया जाए, तो इससे तो कोई बच नहीं सकता। उसमें डिले करने में या कुछ और भी करने में निश्चित तौर पर सरकार की ही किरकिरी होती है, इसे दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए, एक व्यवस्था
जिसको आगे लागू करने पर प्रतिबंध कर दिया गया है और कह दिया गया है कि जो अब तक हुआ है उसको आप जनता के नॉलेज में लाइए। हाँ जी। तो उसमें मुझे लगता है कि कोई देर करने से फायदा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट है। हाँ। इसका आज नहीं तो कल इसका आपको मतलब चीजें आएंगी ही सामने। बिल्कुल सर, आप जो बात कर रहे हैं राकेश शुक्ला जी, केस अपनी मेरिट पर एक तरफ और दूसरी तरफ इस केस की वजह से जो पॉलिटिकल परसेप्शन बना वो इतर, उस पॉलिटिकल परसेप्शन का नुकसान सरकार को? हाँ, सरकार को होगा। और पहली चूक तो तब हुई जब 18-19 में 17-18 में इसका कानून बना, उस समय पर सरकार की तरफ से यदि चुनाव आयोग को चुनावी वार्ड के पड़ताल की छूट दे दी गई होती तो मुझे लगता है कि विवाद इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता। सारे विंडो क्लोज कर दिए गए और विंडो क्लोज करने के कारण ये जो गेंद आज SBI के पाले पे है, ये गेंद कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के पाले पे होती और सरकार और SBI दोनों उसमें अलग होते। लेकिन अब जो ये कहा जा रहा है कि डाटा डिकोड करने में हमें टाइम लग रहा है, आपको भी पता है कि हिंदुस्तान के सारे बैंक इंटरकनेक्ट हैं और कहीं भी कोई भी लेन देन होता है वो सब बैंकों के पास पहुंचता है और इनके पास ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जिसमें आप जो भी फीडिंग करेंगे वो कंपाइल होता हुआ कहीं ना कहीं एक साथ आ जाता है। सर, मैंने तो इसीलिए जो पहला सवाल पूछा था अपने सहयोगी से उसमें यही कहा था कि ये डिजिटल इंडिया है, इस डिजिटल के दौर में भी अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को एक आ जाता है कि साहब और वक्त दे दो अभी हम कर नहीं पा रहे, लेम एक्सक्यूज प्रोफेसर चंद्रचूड़, बहुत लेम एक्सक्यूज। मुझे, मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूं और ये बात ये भी नहीं है, बात ये भी है कि डिजिटल तो है ही है, KYC सबका हुआ होता है, बिना KYC के बैंकिंग ऑपरेशन मुश्किल होता है, आम ग्राहकों के लिए बार बार सूचना आती होती है, तो ऐसी स्थिति में SBI के जो भी बड़े आला अधिकारी हैं उनको इस उत्तरदायित्व का निर्वहन करना चाहिए था, मुझे तो ये लगता है। और इससे मुझे लगता है जब राजनीति जो होगी वो होगी, परंतु उससे ज़्यादा ये है कि SBI का जहाँ तक सवाल है, SBI भारत में जो बैंक हैं SBI की उसकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी है, मदर बैंक की तरफ से, एक मदर बैंक की तरफ से, तो मुझे लगता है कि SBI का ये उत्तरदायित्व था, ये जन उत्तरदायित्व था और भारतीय जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिस जो भारत में न्यायिक व्यवस्था है, उस न्यायिक मर्यादा के लिए और न्याय के सम्मान के लिए SBI को चाहिए था कि त्वरित कार्रवाई करते हुए। हाँ जी। सब चीज 26 दिन, SBI ने ऐसा किया नहीं ना, ऐसे में विजय जी SBI के इस रवैये की वजह से बैठे बैठाए सरकार पर वार करने का विपक्ष को एक हथियार मिल गया। इसमें आप ये समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उस पर सरकार ने कोई रिएक्शन नहीं दिया कि सरकार ने उस पर नाराजगी जाहिर की हो या रिपी मतलब कोई अपील की हो कि भाई हम इस पर जाते हैं या हाउस में जाकर कहा हो कि नहीं हम इस कानून को बनाए रखेंगे, तो सरकार ने उसको एक तरह से मान लिया। जब सरकार ने उस आदेश को मान लिया तो मुझे नहीं समझ में आता कि SBI ने क्यों किया, हालांकि इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, सरकार के पास भी तो मौका था, सरकार भी तो ऑर्डिनेंस ला सकती थी, सरकार भी तो इस पर चिपकी रह सकती थी, लेकिन सरकार ने ऐसा कोई रवैया नहीं दिखाया, बावजूद इसके SBI की तरफ से ये जो टाल मटोल किया गया, टाल मटोल शब्द का मैं इस्तेमाल कर रही हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज जिस तरीके की फटकार SBI को लगाई गई है, कुल मिलाकर एक बार फिर से जरा निपुण सहगल का रुख करते हैं, निपुण कहीं ना कहीं यही संदेश अपने आदेश के जरिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया कि ये सिर्फ और सिर्फ टाल मटोल कर रहा है SBI। बिल्कुल ये संदेश दिया है और मैं दूसरे पैनलिस्ट को सुन रहा था जहां पर कोई कह रहे थे कि सरकार ने तो कोई प्रतिक्रिया दी नहीं या स्वीकार कर लिया, अब सरकार ने SBI से क्या कहा या क्या नहीं कहा ये तो नहीं पता, लेकिन एक जो रवैया जो एक आम आदमी स्टेट बैंक के किसी ब्रांच में जाकर झेलता है, जिस पर मीम्स और चुटकुले भी बनते हैं कि अगले टेबल पर जाइए अभी जानकारी नहीं मिल सकती, ऐसा कुछ रवैया सुप्रीम कोर्ट में भी दिखा दिया स्टेट बैंक ने और सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे साथ ये रवैया नहीं चलेगा, ये रवैया रखोगे तो अवमानना की कार्रवाई होगी, जो जानकारी कही गई थी वो दीजिए, दो आंकड़े हैं, एक आंकड़ा इधर है एक आंकड़ा इधर है, इसको मिलाएंगे समय लगेगा, ये बातें ये दलीलें हमारे सामने मत दीजिए, हमने कब कहा था कि आप इसका मिलान कीजिए, दो आंकड़े हैं आपके पास, खरीदने वालों की जानकारी है और कैश कराने वालों की जानकारी है, उसे तुरंत सार्वजनिक चुनाव आयोग को दीजिए और चुनाव आयोग सार्वजनिक कर देगा, यानी कोई टाल मटोल वाला रवैया नहीं चलेगा सुप्रीम कोर्ट के साथ, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। कुछ जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से इस पूरे मामले पर SBI का रुख कायम कहा तो 26 दिन भी SBI को कम पड़ रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि साहब 26 दिन आपने किया क्या और अब कल तक SBI को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी, तो फिर कैसे मुमकिन हो पाएगा ये, रात भर कहीं SBI के दफ्तर और उनके कर्मचारी बैठकर खंगालने का काम करेंगे फाइलों को और ट्रांसफर करने का काम किया जाएगा, कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए रोमाना, कोई प्रतिक्रिया तो अभी SBI की नहीं मिली है, लेकिन SBI का जो स्टैंड है
वो समझ से परे है। वो कहते हैं हमारे पास आंकड़े हैं, किसने बॉन्ड खरीदे, कौन से नंबर का बॉन्ड खरीदा, कितने का बॉन्ड खरीदा, वो है, वो एक अलग लिफाफे में है, और किसने कैश कराया वो एक अलग लिफाफे में है। हम दोनों जानकारी दे सकते हैं, इसमें 3 हफ्ते लगेंगे और मिलान करने को कहोगे तो 3 महीने लगेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब दोनों जानकारियां हैं इसके लिए भी 3 हफ्ते, ये जानकारी आप दीजिए। तो मुझे लगता है कि जो जानकारी उपलब्ध, जो SBI कह रहा है कि जानकारी है, उसे भी देने में पता नहीं क्यों 3 हफ्ते का समय मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि बैठे बिठाए SBI का ये रवैया, जिसने विपक्ष को दे दिया एक बड़ा हथियार सरकार पर करने के लिए वार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कहा गया है कि साहब मिलान के लिए थोड़ी कहा है, जो जानकारी है वो दीजिए ना, किसने खरीदा आप कह रहे हैं हमारे पास जानकारी है, किसने कैश कराया इलेक्टोरल बॉन्ड आप कह रहे हैं हमारे पास जानकारी है, सामने लेकर आइए वो जानकारी, सौंपिए वो जानकारी चुनाव आयोग को। SBI को कड़ी फटकार लगी है देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। 12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 लाख करोड़ की सौगात आज देश को देने वाले हैं, जिसमें जो एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ है, द्वारका एक्सप्रेसवे का हम जिक्र कर रहे हैं, उसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुग्राम पहुंच गए हैं। देखिए ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे है, वैसे तो ये 29 किलोमीटर लंबा है, लेकिन अगर आज की बात की जाए तो जिसका पहला फेज है जो हरियाणा में पड़ता है 19 किलोमीटर लंबा, ये एलिवेटेड एक्सप्रेसवे, इसके पहले फेज का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले श्रम वीरों से मुलाकात करते हुए, साथ में आप हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी देख रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी इन श्रम वीरों का सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मान किया है कि देश के प्रधान सेवक देश के श्रम वीरों के साथ, ये राष्ट्र निर्माण है जिसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार इसी तरीके से इन श्रम वीरों को देते हैं। और जरा उत्साह देखिए किस तरीके का गुरुग्राम के लोगों में अपने बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर, तो सड़क के रास्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से गुरुग्राम, और ये द्वारका एक्सप्रेसवे देश का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे, 29 किलोमीटर लंबाई कुल इस एक्सप्रेसवे की रहेगी। अभी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस हिस्से का उद्घाटन कर रहे हैं वो 19 किलोमीटर वाला हिस्सा है, जो पूरा का पूरा हिस्सा हरियाणा में पड़ता है। और इससे देखिए जिंदगी इतनी आसान हो जाएगी कि दिल्ली के लोग, जिनको दिल्ली और हरियाणा के बीच आने जाने के लिए सिर्फ गुरुग्राम वाले रास्ते से गुजरना पड़ता था और वहां पर घंटों जाम का सामना करना पड़ता था, अब वो जयपुर वाला एक्सप्रेसवे पकड़ने के लिए सीधे ये द्वारका से जो एक्सप्रेसवे निकलेगा, इससे लोगों की जिंदगी आसान हो जाएगी, जाम से लोगों को निजात मिलेगी और कहीं ना कहीं विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। उत्साहित नजर आ रहे हैं, आम लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, इन्हीं इलाकों में रहने वाले लोग हैं जिन्हें हर रोज घंटों घंटों के जाम से निजात मिलने जा रही है। यकीनन आज ये जो पहला हिस्सा जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, इससे भी कुछ राहत तो जरूर मिलेगी। और फिर जब पूरा का पूरा ये 29 किलोमीटर वाला एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा, तो फिर तो दिल्ली NCR के लोगों के लिए सफर करना और आसान हो जाएगा। तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। 1 लाख करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अलग अलग राज्यों को देंगे। अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो कंप्लीट हुए हैं उसी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज किया जाएगा। और इससे पहले आप जानते हैं किस तरीके से सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा इंस्टीट्यूट वहां पर पहुंचे हुए थे। वहां पर जो लखपति दीदी हैं, ड्रोन दीदी हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात और संवाद। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को दे रहे हैं ये विकास की सौगात, जिसमें द्वारका एक्सप्रेसवे का ये पहला फेज जो 4,100 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। इसी एक्सप्रेसवे पर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, साथ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आपको नजर आ रहे हैं। तो देश को नई रफ्तार, और इस रफ्तार से यकीनन देश भरेगा विकास की नई उड़ान। तो चुनाव से पहले एक्सप्रेसवे, और क्या ये तीसरे टर्म के लिए हाईवे साबित होगा मोदी सरकार के लिए? विजय जी, महत्वपूर्ण बात यह है रोमाना जी कि ये योजना नई योजना नहीं है जी, 30 साल से इस योजना पर काम हो रहा था, 30 साल से। और जितनी सरकारें आईं वो उसके जो जमीनों का मुआवजे की बात है, जमीनों को
देने की बात है उसी में लगी रही और ये योजना उलझा रहा। और अब ये जो है पिछले 3-4 साल में जो काम हुआ उस वजह से ये बड़ा काम हो पाया है। इसलिए भी आप इसको देखिए कि सरकार किस तरह से काम को कर रही है। योजनाएं बहुत सारी है। एक तो कहा जाता है मोदी जी के लिए कि वो जिन योजनाओं का शिलान्यास करते हैं उन्हीं का उद्घाटन भी करते हैं, यानी कि अपने एक कार्यकाल में वो योजना को पूरा करने की आश्वस्त करते हैं, विश्वास दिलाते हैं। तो ये भी एक बड़ा काम होता है, क्योंकि भ्रष्टाचार के लिए कहा जाता है कि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण परियोजनाओं का डिले होना है। जितनी ज़्यादा देरी होती है उतना ज़्यादा भ्रष्टाचार उसमें होता है और प्रोजेक्ट की जो कीमत है, लागत जो है, वो भी लगातार बढ़ती जाती है। तो ये एक बड़ी योजना, और ये इसको आप दिल्ली और द्वारिका से जोड़ के मत देखिए, ये पूरे देश भर में मुंबई तक का जाने वाला एक्सप्रेस वे है, सूरत के लिए, वडोदरा के लिए, जयपुर के लिए, उसमें भी बहुत मददगार होगा। बिल्कुल सर, और सिर्फ ये द्वारका एक्सप्रेस वे ही नहीं बल्कि आज देश को कई और योजनाओं की भी सौगात मिलने वाली है, जिसमें लखनऊ रिंग रोड का जो तीसरा खंड है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है। इसीलिए इसी के तहत आंध्र प्रदेश में भी, हिमाचल प्रदेश में भी, कर्नाटक में भी, तो ये अलग अलग राज्य हैं। और यहाँ एक कॉमन फैक्टर जो निकल कर आ रहा है, जाहिर सी बात है मोदी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, और साथ ही साथ वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो नजर आ रहे हैं, उन्हीं का मंत्रालय है जो एक के बाद एक ये कीर्तिमान स्थापित करवा। दो तीन चीज समझना पड़ेगा। पहला ये कि जब 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई, नितिन गडकरी जी को रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री दी गई, तब NH की लंबाई 91,000 किलोमीटर थी। आज NH की लंबाई 1,46,000 किलोमीटर हो चुकी है। उसमें 4 लेन 6 लेन और 8 लेन की सड़कें सबसे ज़्यादा बनी हैं। दूसरा, जब 2014 में जो प्रतिदिन सड़क निर्माण की गति थी वो 11 किलोमीटर थी, आज 30 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से सड़क का निर्माण हो रहा है। चौथा, 27 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, जिसमें 2014 से 24 के बीच में 4 कंप्लीट हो चुके हैं। 18 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे आपके 2024-25 में कंप्लीट हो जाएंगे। ये भी ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे है। इसमें 3.5 किलोमीटर की सेलो टनल बन रही है, 8 लेन की, देश की पहली टनल है जो 8 लेन की बन रही है सेलो टनल, और वो जून जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगी। तो आप इस द्वारका एक्सप्रेस वे की सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि IGI एयरपोर्ट से लेके नया जेवर एयरपोर्ट तक कनेक्टिविटी देगा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को कनेक्टिविटी देगा, गुड़गांव के ट्रैफिक जाम को समाप्त करेगा, फरीदाबाद के ट्रैफिक जाम को समाप्त करेगा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश से आने वाला जो ट्रैफिक है ईस्टर्न पेरिफेरल से होते हुए द्वारका एक्सप्रेस वे सीधे बाहर निकल जाएगा। KMP, जी, कोंडली मानसर जी, वाला, जी, बिल्कुल EP हो गया, जहां वो भारी वाहन वगैरह जो आते हैं। अब आपके दिसंबर में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे कंप्लीट होने वाला, तो 2 घंटे में आप दिल्ली से देहरादून पहुंचेंगे, और 2025 तक आपका देहरादून कि हरिद्वार और दिल्ली कनेक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। तो 2 घंटे में आप हरिद्वार पहुंचेंगे। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सड़क निर्माण के दिशा में मुझे लगता है कि केंद्र सरकार का काम बहुत ही उल्लेखनीय रहा। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दीजिए। अच्छा, आप बताइए। नहीं, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ, जिस टनल का जिक्र राकेश जी ने किया, उसी सेलो टनल, उसके ऊपर से हवाई जहाज उतर रहे होंगे। जिस टनल पर आप नीचे चल रहे हैं उस समय उसके ऊपर से हवाई जहाज भी उतर होंगे, लैंडिंग हो रही होगी। बिल्कुल, क्या बात है सर। ये जो बजट में हम लोग सुनते हैं ना कि साहब पिछले वाले बजट में 10 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इस बार के बजट में 11,11,111 करोड़ इस बजट के अंदर, तो कुल मिलाकर वो पैसा कहाँ खर्च होता है उसकी भी जानकारी इन तमाम योजनाओं के जरिए देश को मिलती है कि किस तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है देश का वो मजबूत हो रहा है। मैं आपके पास आऊंगी सर। और इस वक्त आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का संबोधन चल रहा है, सुनते हैं। नामी गिरामी नेता 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 साल के विधायक थे, मंत्री थे, इतने बड़े बड़े पैसे वाले थे, सबको हरा के पंजाब के लोगों ने इतिहास रचा था और 117 में से 92 सीट हम लोगों को दी थी। पंजाब के लोगों का हम जितना शुक्रिया अदा करें हम उनका एहसान पूरा नहीं कर सकते। उनका एहसान अदा करने के लिए एक ही कोशिश जारी है, पिछले 2 साल से रात दिन 24 घंटे हमारी सरकार, भगवंत मान साहब मुख्यमंत्री, हमारे सारे मंत्री, सारे विधायक, रात दिन 24 घंटे हमारी सरकार पंजाब के लोगों की सेवा कर रही है। और पंजाब में
मुझे बेहद खुशी है ये कहते हुए कि आज 2 साल के बाद पंजाब के बच्चे बच्चे से पूछ लो, यहाँ तक कि दूसरी पार्टी वालों से भी पूछ लो, सब लोग एक ही बात बोलते हैं, 75 साल में ऐसी सरकार हमने नहीं देखी। बच्चा बच्चा पंजाब का बोलता है 75 साल में ऐसी सरकार हमने नहीं देखी। इतनी ईमानदार सरकार, इतनी मेहनती सरकार, रोज नए नए आइडिया लेके आते हैं, नए नए आइडिया लेके आते हैं और जनता के लिए काम कर रहे हैं। एक टाइम ऐसा था जब पंजाब के अंदर पूरी नेगेटिविटी होती थी, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या थी, महंगाई थी, बिजली के बिल बढ़ रहे थे लोगों के, बिजली आती नहीं थी, किसान दुखी थे, व्यापारी दुखी थे, व्यापारी और इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपति छोड़ छोड़ के जा रहे थे, चारों तरफ नेगेटिविटी 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 थी पंजाब के अंदर। आज चारों तरफ पॉजिटिविटी है, व्यापारी वापस आ रहे हैं, उद्योगपति वापस आ रहे हैं, हीरो उद्योगपति अब पंजाब के अंदर अपनी इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं, बच्चों को रोजगार मिल रहे हैं, नौकरियां पक्की हो रही हैं, रोज इतने मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन हो रहा है, नए नए मोहल्ला क्लिनिक, कोने कोने में मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं, पंजाब के लोगों की बिजली मुफ्त हो गई। और क्या चाहिए, पहले 8-8, 10-10 घंटे के पावर कट लगते थे, अब 24 घंटे बिजली मिलने लगी है, शानदार स्कूल बन रहे हैं, लोगों को विश्वास नहीं होता ऐसे सरकारी स्कूल हो सकते हैं, खूब काम हो रहा है चारों तरफ। पहले कर्मचारी टंकियों पे चढ़े रहते थे, अब वो टीचर पक्के हो गए और वो अपने स्कूल के अंदर पढ़ा रहे हैं, अब आपको टंकी पे कर्मचारी चढ़े हुए नहीं मिलेंगे। खूब काम चल रहा है, लेकिन अभी खूब काम करना बाकी है, बहुत काम करना बाकी है। पंजाब के लोगों को हम अपना माई बाप मानते हैं, जनता माई बाप होती है, सरकार नौकर होती है, जनतंत्र के अंदर सरकार नौकर होती है, जनता मालिक होती है। हम पंजाब की जनता को अपना मालिक मानते हैं, हम सेवक हैं, जनता जनार्दन है, जनता भगवान है, हम भगवान के भक्त हैं। तो जैसे भक्त अपने भगवान के पास जब जाता है तो और मांगता है, और मांगता है, और मांगता है, ऐसे ही हम पंजाब की जनता से अब और मांगने के लिए आए हैं। आपने हमें 117 में से 92 सीट दी, बहुत शुक्रगुजार है आपके। अब दूसरा बड़ा चुनाव आ रहा है, 13 सीट है, हमें ये 13 की 13 सीट चाहिए। क्यों चाहिए, अपने लिए नहीं चाहिए, अपने बच्चों के लिए नहीं चाहिए, अपने परिवार के लिए नहीं चाहिए, मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, मान साहब को अपने लिए नहीं चाहिए, मंत्रियों को अपने लिए नहीं चाहिए, आपके परिवार के लिए और काम करने के लिए, आपके परिवार को और खुशहाल बनाने के लिए, पंजाब को रंगला बनाने के लिए, पंजाब की तरक्की करने के लिए ये 13 सीट चाहिए हम लोगों को। जनता तो रोज देख रही है कैसे केंद्र सरकार, गवर्नर, बीजेपी वाले रोज तंग कर रहे हैं मान साहब को, रोज तंग कर रहे हैं हमारी सरकार को, रोज तंग कर रहे हैं हमारे मंत्रियों को, तरह तरह से तंग कर रहे हैं। पंजाब के हक के 8,000 करोड़ रुपए रोक लिए केंद्र सरकार ने, 8,000 करोड़ रुपए बहुत होते हैं। कितने स्कूल बन जाते, कितनी सड़कें बन जाती, कितने अस्पताल बन जाते, कितने मोहल्ला क्लिनिक बन जाते, इतना काम कर लेते हैं हम 8,000 करोड़ से। जो काम करते हैं गवर्नर उस काम में टांग अड़ा रहा है, हर काम में टांग अड़ा रहा है। 26 जनवरी को पंजाब की जनता अपनी झांकियां निकालनी चाहती थी, दिल्ली के अंदर झांकी निकलती है, 26 जनवरी को पंजाब की भी झांकी निकलनी चाहिए थी। पंजाब ने अपनी झांकी बना के भेजी, उस झांकी में सरदार भगत सिंह थे, उस झांकी में करतार सिंह सब सराबा थे, उस झांकी पे लाला लाजपत राय थे, जितने पंजाब के स्वतंत्रता सेनानी हुए उन सब की कहानियां टूट जाती हैं। जब केंद्र सरकार के पास पंजाब की झांकी गई तो केंद्र सरकार ने इनको चिट्ठी लिख के भेजी, पंजाब की झांकी रिजेक्ट की जाती है। ये केंद्र सरकार में जो बैठे हैं ये सरदार भगत सिंह को रिजेक्ट करने वाले होते कौन है, ये केंद्र सरकार में जो बैठे हैं ये करतार सिंह सराभा को रिजेक्ट करने वाले होते कौन है, ये लाला लाजपत राय को रिजेक्ट करने वाले होते कौन है। इन्होंने पंजाब की झांकियां रिजेक्ट कर दी, रोज अब ये पंजाब के अंदर सरकार गिराने के लिए रोज एमएलए को, कभी किसी एमएलए को अप्रोच करते हैं, सरकार गिराना चाहते हैं जो पंजाब के लोगों की
इससे लड़ने के लिए आज अकेला भगवंत मान आपके लिए लड़ रहा है। भगवंत मान के तो पंजाब में देखिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने चुनाव लड़ेगी और एक दूसरे के साथ गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन यहां अरविंद केजरीवाल पंजाब में आम आदमी पार्टी की कैंपेन लॉन्च करते हुए और निशाने पर बीजेपी और केंद्र सरकार थी।